you have your own private cabin. Yes. And then आप अपना कप रख सकते हो. और तो ये मिला है क्रंची कॉर्न. जूतों के लिए वो है, ये दराज दे दिया भाई. यहाँ पे अपने जूते डालो. हमें गर्व और खुशी है. ओके गाइस, सो वी आर ऑल सेट. 12:15 फ्लाइट होनी थी. टाइम दिखा देता हूँ, 12:25 हो रहा है. इट्स नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट A350 फ्लाइट फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू इंडिया. इंडिया से दुबई आ गई है. इस वीडियो में मैं आपको दोनों क्लासेस के रिव्यू बताने वाला हूँ. पहला, बिजनेस क्लास में कैसा है. दूसरा, इकॉनमी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. स्टे ट्यून्ड. बिजनेस क्लास तो पूरा बदल गया है. सुकृति हमें हेल्प करने वाले हैं इकॉनमी का रिव्यू देने के लिए. ओके, सो बोर्डिंग स्टार्ट होने से पहले बुफे ऑर्गेनाइज था, क्योंकि ये पहली बार था कि A350 दुबई से दिल्ली फ्लाई कर रहा था, जिसमें सब टूट पड़े. आई थिंक डे वन है, थोड़ा मिसमैनेज्ड है, बट ठीक है. आई होप अंदर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो. हेलो, हाय. ओके, एंड वी आर एंटरिंग इनटू इंडियाज फर्स्ट A350. हेलो, हेलो. ओके, हियर इट इज. भाई अंदर से तो नॉर्मल सही लग रहा है. ओके भाई, दिस इज आवर फर्स्ट लुक ऑफ प्राइवेट केबिन. टेक ऑफ से पहले आप ये लैच नहीं लगा सकते, पीछे से अनलॉक्ड है. जब टेक ऑफ हो जाएगा आई थिंक वो अनलॉक हो जाएगा और फिर मैं इसको खिसका सकता हूँ. तो हमें दो चीज़ें मिल गई. ओके, तीन चीज़ें. सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक मिली, विच वॉज बटर मिल्क और आम पन्ना. आई वेंट फॉर आम पन्ना, इट्स रियली गुड. सेकेंड इज नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, लुक सुपर प्रीमियम. मुझे लग रहा है एक चीज़ होगी इस फ्लाइट के आने के बाद, इतनी सारी स्टोरेज बढ़ाई, इतने सारे स्टोरेज बढ़ाए, लोग अपना सामान बहुत भूलने वाले हैं. बताऊँगा आप कहाँ कहाँ रख के सामान अपना भूल सकते हो, वो जगह भी दिखाऊंगा. वहाँ स्पेशली ध्यान रखना उतरते हुए लेके जाना. पहले मैं आपको टूर दे देता हूँ क्विकली क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले 23 या 25 इंच का बढ़िया डिस्प्ले है विद अमेजिंग टच. फ़ोन जैसा नहीं है बट लैगी है, बट ठीक है, बहुत बेटर है, वो एफर्ट नहीं लगाना. ओके, आई टेल यू कि फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे क्या क्या हैं. आई थिंक इट्स definitely bright. और वो जो एक नई चीज की फील होती है वो है, even if you see the seats and everything. 350 अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आपका स्वागत करते हुए हमें गर्व और खुशी है. हमारा दिल्ली तक का उड़ान समय 2:40 रहेगा. बस तो 2:40 रहेगा फ्लाइट टाइम, क्योंकि भाई ये फर्राटे स्पीड से उड़ता है. स्पीड भी मैं दिखाऊंगा भाई. अभी फिल्म भी नहीं बनाई है इन्होंने, द फेमस डांस कथक एंड कथकली, इंडियन कल्चर के साथ साथ बैलेंस करते हुए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं. मैंने विस्तारा की एक फ्लाइट में देखा है, जब वो अलग अलग जगहों पे जाके ऐसे डेमो दे रहे होते हैं बेसिकली. बट दिस इज समथिंग न्यू, बिकॉज़ आई थिंक ये सारे इंडियन डांसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज कथकली राइट हियर. द स्पीड राइट नाउ, टेक ऑफ स्पीड ऑफ एयर A50, 240 पे उड़ा दी गई है. वाओ, दैट वाज सुपर. बहुत ही क्विक था यार, लाइक रियली. पहला फूड मेन्यू, बिजनेस क्लास फूड मेन्यू. एपेटाइजर में स्मोक चिकन विद क्रीम चीज एंड पेपर्स. ये तो हो गया खाना. खाना टेस्ट कैसा करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा रिव्यू में, कि लग्जरी एक्सपीरियंस तो है बट स्वाद है कि नहीं खाना. दूसरा है बार मेन्यू. बार मेन्यू में बताता हूँ आपको. भाई वाइन्स में है, वाइट वाइन है, लॉरेंट पेरियर है, शंपागने शैम्पेन है, और ये सारी भी पता नहीं कितनी अवेलेबल है. कॉकटेल्स भी है भाई, मॉकटेल्स कॉकटेल्स दोनों है. सीट बेल्ट साइन ऑन एंड स्मोकिंग साइन इज स्क्रीन पे आ रहा है. अच्छा, एक और चीज है, जब आप केबिन लाइट जलाते हो ये दोनों एक साथ जल जाते हैं. किसी को कम चाहिए हो तो वो ऑप्शन ही नहीं है बेसिकली. ये देखो दोनों जल गए. यू हैव योर ओन प्राइवेट केबिन टू योरसेल्फ इन अ बिजनेस क्लास. अच्छा, जो मेजर चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे घुसते ही, एक तो वो है स्क्रीन, एक है ये लैम्प. इस लैम्प के 3 कंट्रोल्स हैं. दिस इज द मेजर अपग्रेड.
दूसरा जो मेजर अपग्रेड हुआ है वो है ट्रे टेबल के साथ। देखना आप ट्रे टेबल कहाँ पहुँच गई है। इस बटन को आपको जोर से प्रेस करना है एंड ये आ जाएगी नीचे। अब ये आपकी ट्रे टेबल जो कि बिल्कुल ही एक्सपैंड है। ओ भाई साहब कहाँ तक आ गई देखो। सो ये ऑफ कोर्स इज द ट्रे टेबल व्हिच इज आल्सो ऑल ब्रांड न्यू। और ये ऐसे खोल के खुलती है लाइक दिस। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लगी इज दिस कप होल्डर। तो ये कप होल्डर यहाँ से ऐसे खुलता है। यस, एंड देन आप अपना कप रख सकते हो। Which is good to go. Otherwise, generally ऐसी problem होती थी कि tray table पे कहाँ रखो, गिर जाएगा। This is really cool. Also ये मिला है crunchy corn. Major change बता रहा हूँ आपको मैं, जो आ गया है वो है ये अलमीरा। अगर आपको लग रहा है ये इतना सा कबर्ड है तो नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि ये खुल जाता है। यहाँ पे लगता है थोड़ा लोकल चीजें यूज करी हैं, कॉस्ट कटिंग हुई है इसकी क्वालिटी से। थोड़ा ये बहुत फ्लिमजी सा है बट ये प्राइवेट है। ये देखो ये अलमीरा है भाई। कोट टांगने की प्राइवेट स्पेस मैंने पहली बार देखी है। यहाँ पे लिटरेचर सेफ्टी बुक यहाँ पे रख सकते हो आप, बट पूरी अलमारी है आपके पास। एक और मजे की बात, हमेशा जूता रुलता रहता है बिजनेस क्लास में, कहाँ जाए। जनरली ये जब आप बेड बनाओ तो सीट के वहीं दबा होता है। बिजनेस क्लास के लिए भी एक मस्त चीज की है इन्होंने जूतों के लिए, वो है ये दराज दे दिया भाई। यहाँ पे अपने जूते डालो, मेरा UK 11 है, आराम से आ रहा भाई। खली के जूते भी आ सकते हैं, इतना स्पेस है यहाँ पे। एंड यहाँ कर दो भाई स्नीकर हेड्स, जत मिल रही है भाई जूतों को तुम्हारे। कहीं दबेंगे नहीं, कहीं रुलेंगे नहीं, ऐसे से नहीं मिलेंगे जब उठोगे सुबह। ओके, क्विक इंट्रोडक्शन टू बटन्स, डू नॉट डिस्टर्ब मोड फाइनली आ गया है केबिन्स में, आपके पर्सनल केबिन्स में। DND का बटन आ गया भाई, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे पानी नहीं पीना, डिस्टर्ब मत करो। ये लैम्प की इंटेंसिटी का बटन है, ये दबा हो गया। लैम्प बन, इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, और ये है बेड बनाने का बटन। लो जी हमारी सीट, ये अंदर जा रही है। और ये है वापस से सीट अपराइट करने का बटन, यानी कि लैंडिंग के टाइम या टेक ऑफ के टाइम ये वापस से सीट अपराइट हो रही है। ओके, इसके साथ आपको मिलता है एक ग्लास होल्डर यहाँ पे। स्क्रीन में पिंच इन एंड पिंच आउट जूम है, प्रोसेसर लैगी है, टच में कोई खराबी नहीं है। मैंने बिल्कुल हल्का सा टच कर रखा है, वो कमांड ले रहा है, उस कमांड को प्रोसेस लेट कर रहा है वो बस। तो ये स्क्रीन का कंट्रोल आपको यहाँ पे रिमोटली भी मिल जाता है, यहाँ पे बटन दबाने पे बाहर आ जाता है। ये जो नाड़ा आप देख रहे हैं ये पुल करके एकदम छोड़ दोगे तो लॉक हो जाएगा वो। पुल करके धीरे धीरे छोड़ोगे तो आराम से जाएगा, जस्ट लाइक क्या बताऊँ, सीट बेल्ट। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में आपको चीज़ें बता देता हूँ अभी क्या क्या आप देख सकते हो आजकल। तो भाई रॉकेटरी है आर माधवन, दृश्यम ओरिजिनल वाली, लेकिन स्लिप की भाई क्या स्लिप क्यों हो रहा है भाई, क्या ज़्यादा तारीफ कर ली जाए स्क्रीन की, खिसक खिसक रही है अपने आप। ये देखो चिटर मार रही है भाई, ये देखो अपने आप ऊपर हो जा रही है। एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगी है मुझे चार्जिंग सॉकेट में भाई, 2024 में प्लेन आप अगर डाल रहे हो मेरे भाई, यूरोपियन यूनियन हम सबके हक के लिए लड़ के थक गया। USB A कौन देता है यार, टाइप सी दे देते, एक दो दे देते। खैर यहाँ पे आपको फुल फंक्शन प्लग मिलता है, सॉकेट मिलता है, इसमें आप वॉल चार्जर डाल सकते हो। ये है आपका नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स की जगह, एंड इसका रिव्यू पार्ट टेक्निशियन चैनल पे देख लेना आप आराम से। इकोनॉमी में टाइप सी और टाइप ए दोनों चार्जिंग पोर्ट्स थे। तो मैं नॉइस कैंसलिंग हेडफोन अनबॉक्स कर रहा था एंड टू माय सरप्राइज इसमें 3 पिन चाहिए यार, 2 पिन। या तो ये लेटेस्ट टेक आया है कि इसी में नॉइस बढ़िया कैंसिल हो जाती है, अदरवाइज यहाँ 3 पिन है यार। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स 3 पिन की ज़रूरत नहीं भाई, दिस इज एक्चुअली गुड। I've used better ones, of course. I think Singapore Airlines has one of the craziest noise cancelling. Good for a sound sleep. मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, मेरे को वीडियो वैसे स्ट्रेसफुल हो रहा है। यस, सर्विसिंग इज वेरी नाइस यार। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, इसे गलती से स्पॉन्सर्ड मत समझना, बट बिग थम्स अप फॉर
केबिन क्रू. सो क्रू कॉल करने के दो ऑप्शंस हैं. एक तो ऑफकोर्स आप स्क्रीन से कर सकते हो, आप यहाँ पे गए और क्रू को कॉल करने का बटन दबा दिया, या फिर फिजिकली आपको करना है तो ये लाइट्स में ही बटन लगे, समझ रहे हो? आप जैसे ही लाइट को प्रेस करोगे वो बटन है तो वो दब जाएगा. नाउ वी गोना डू द कॉल बेल बटन टेस्ट, यानी कि मैं कॉल बेल दबाऊंगा कितने सेकेंड में क्रू आता है. लेट्स चेक दैट आउट. It is. Timer start. Come on. Can I have some more corn? Yeah, just be fine. Roughly 30 seconds. Okay, एक चीज जो मैंने अभी नोटिस करी, I think मैं ऐसे बीच बीच में नोटिस करती रहूंगी चीजें, कि जब आप ये प्रेस करके एंड ऐसे पीछे जाते हो तो जनरली ये वाली जो चीज़ है ये जाती है पीछे वाली, और आपकी जो नीचे वाली सीट है वो वहीं रहती है. बट व्हेन यू प्रेस दिस तो आपकी सीट भी आगे जा रही है और आप भी पीछे, सो लिटरली आप वो लेट रहे हो यहाँ पर, तो रिक्लाइनिंग वाली नहीं होती. एंड लुक एट दिस, काफ़ी रिक्लाइनड है यार. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट कूल, आराम से सो सकते हो. सिर्फ आपका जो बैक रेस्ट है वो पीछे जाता है, आपकी सीट नहीं मूव होती है जितना मैंने नोटिस किया है. सो दिस इज समथिंग न्यू, आपको नेक पिलो की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है. आप अपने हेड के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हो और ये ऊपर नीचे भी होता है, तोड़ना दो और नीचे, तो अपने हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. दिस इज रियली कूल यार, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू कि ये सीट भी पूरी पीछे हो जाती है, एंड मतलब सीट भी आगे हो जाती है, रिक्लाइन भी हो जाती है, एंड विद दिस पिलो मतलब बिजनेस क्लास से कम नहीं है ये. एक लाइट जो मुझसे मिस हो गई वो है ये वाली भाई, ये बिद्दी सी दे रखी है, इसको अगर आप ऊपर से दबाओगे तो ये ऐसे रीडिंग लाइट चल जाती है. बेसिकली कई बार आपको कुछ इमरजेंसी में करना हो, आप लेटे हुए और ये अर्जेंटली कुछ चाहिए तो ये काम आ सकती है. विंडोज़ दिखा देता हूँ, इसमें टच फंक्शन वाली विंडोज है. ओ या डिड यू लाइक दैट? या दैट वाज नाइस, थैंक यू. श्योर. तो टच बटन वाली विंडो है एंड टिंटेड नहीं है, इसमें से अपना मोड़ा हुआ ओरिगैमी वाला कागज. दो लेवल्स है, पहला लेवल ऊपर हुआ, दो लेवल ऊपर हुआ, तो बेसिकली जब आप इसे नीचे करते हो तो ये पहला ट्रांसलूसेंट अब ये ओपेक हो जाएगा. दो डिज़ाइन फ्लॉ, एक डिज़ाइन फ्लॉ हेडफोन, भाई मेरी स्किन दब गई, किसी की ब्लीडिंग हो सकती है. ये जो गैप बन रहा है ना जब आप इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ये जो वी बन रहा है इसके बीच में आपके उंगली की स्किन फंस सकती है. आई थॉट कि मैंने काट दिया है, सही प्रेशर पे रोक दिया था मैंने थैंकफुली, बट इट्स वेरी डेंजरस. एयर इंडिया यू नीड टू चेंज दिस. दूसरा बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन का फ्लॉ है वो, ये जो बटन्स मौजूद हैं ये गलती से आपकी कोहनी से बार बार दबते रहेंगे, आप परेशान हो जाओगे. दो तरीके से ये सॉल्व हो सकता था, एक इनकी पोजिशनिंग ऑफ कोर्स बेटर हो सकती थी, दूसरा आप कोई लॉक का बटन दे सकते थे यहाँ या कहीं और पोजिशन में, जस्ट लाइक चाइल्ड लॉक, जिससे दबें भी तो कोई फर्क ना पड़े. मैं अपनी पोजीशन लॉक कर पाऊँ तो अचानक से भी सीट ऊपर हो जाती है, कभी हाथ लग जाता है. आई हैव टू टेल यू कि हमको नॉनवेज ऑप्शंस खत्म हो गए थे अपने पास, बाय द टाइम खाना हमारे पास आया, सो दे वर सर्विंग वेजिटेरियन टू एवरीबॉडी. सो या बट खाना अच्छा था, नाइस. फाइनली द फूड इज हियर, वी हैव ऑर्डर सम बिरयानी, दाल, डेजर्ट. वाह भाई, प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस. चॉकलेट्स, रायता, सैलड, ब्रेड, सब. खाने के टाइम थोड़ा प्राइवेसी चाहिए अपन को. अरे यार मैंने रायते में डुबो दिया यार. सो द चिकन इज कबाब, शामी कबाब. फूड रिव्यू टाइम, द चिकन बिरयानी इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर हैड इन अ फ्लाइट. ये जो है डेजर्ट ये मुझसे तोड़ी नहीं जा रही, अब टूटी है. It's chocolate something. Eclair is a taste. Okay, a couple of more things I wanted to tell you. एक तो सिर्फ 24 minutes बचे हैं अब मैं land होने में, पता नहीं कितना accurate है क्योंकि बहुत जल्दी आ गए हैं. Light जो है ना cabin में, this is too bright. Like it's really too bright. पर मैं उनमें से हूँ who prefers like a little darkness while sleeping. तो this is मैंने और planes में इतना bright नहीं देखा. ऑल्सो ये जो कॉल बेल वाली आवाज़ है ना, दैट्स
too loud. Very loud. तो ये भी बार बार नींद ऐसे खराब कर रही है आपकी. I took a small nap, like 15-20 minutes or maybe half an hour. And उसके बाद उठ गए भाई. बड़े routes के लिए this flight is going to be super comfortable. एक और थोड़ा सा attention to detail दिखाता हूँ. जैसे ही आप यहाँ पे ये प्रेस कर देते हो यानी डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये आपकी जो बाहर सीट पे नंबर है ना, ये नंबर जो है वो रेड हो जाता है. ओवरऑल इट्स अ न्यू एडिशन टू आर फ्लाइंग एक्सपीरियंस, इंडियन फ्लाइंग एक्सपीरियंस. जो ऑड नंबर है उसमें विंडो की तरफ से डिस्टेंस ज़्यादा है और इधर कम है. इवन नंबर में विंडो की तरफ आप हो और ये जो लैम्प और टेबल है इस तरफ है. आई वुड रिकमेंड इफ़ यू वांट व्यूज तो आप इवन नंबर्स की टिकट या सीट बुक कराइएगा इन बिजनेस क्लास. एंड इकॉनमी का रिव्यू सुकृति ने आपको दिया. थैंक यू सुकृति फॉर ट्रैवलिंग इन इकॉनमी और बिजनेस होते हुए भी एंड शूटिंग दिस रिव्यू. या ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको मज़ा आया, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर टेक्नीशियन नया चैनल है, प्यार दीजिएगा.